यो इट्स रजनी इनोवेटिव एंड स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे जहाँ है इनोवेशन की भरमार। तो दोस्तों ये देखिए मैं हूँ यहाँ इस रेलवे स्टेशन पे, आपको पीछे मालगाड़ी दिख रही होगी और यहाँ का कुछ इस टाइप का नज़ारा है और हम जा रहे हैं रक्षाबंधन के लिए दिल्ली, वो भी शताब्दी से। तो हमारी ट्रेन अभी थोड़ी देर में आने वाली है, हम लोग वेट कर रहे हैं आधे घंटे से। तो जो हम लोग आज मॉर्निंग में 4 o'clock उठे हैं, सुबह फ्रेश फ्रेश होके फटाफट नहा के धो के, क्योंकि हम लोग शायद 11 बजे तक वहाँ पे पहुँच पाएंगे। तो 11 बजे पहुँचने के बाद थोड़ी सी तो हड़बड़ी हो जाएगी क्योंकि रक्षाबंधन भी 2 दिन का पड़ रहा है, बट हम सेलिब्रेट करने वाले हैं 30th को ही। तो चलो ट्रेन आने में अभी थोड़ा सा टाइम है, आपको दिखाती हूँ जब ट्रेन आ जाती है। Moments later. तो फ्रेंड्स हम लोग बैठे हैं शताब्दी में, तो ये हमारा फर्स्ट टाइम है जब हम शताब्दी में बैठे हैं और चेयर कार में बैठे हैं। आई थिंक इसके पहले हम कभी नहीं बैठे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही मतलब थोड़ी सीट्स वगैरह, ये देखो आप, मतलब अच्छी खासी सीट्स हैं। कैसे शूट करना है मुझे पता नहीं है, तो हम सब बैठे हुए आराम से। इधर विंडोज़ हैं तो, पर बाहर का इतना अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरीके का दे रखा है, तो खाने वाने के लिए ना इस तरीके से आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसके बाद जब ज़रूरत ना हो तो इस तरीके से डालो, इस तरीके से थोड़ा इसको लॉक कर सकते हो। तो सीट्स खुली खुली सी हैं। अभी हम लोगों को ये बॉटल्स मिल गई हैं, पानी पियो मज़े करो। तो पहली बार है जब हम चेयर कार में जा रहे हैं, तो आई एम सो एक्साइटेड। तो ये है हमारी कुछ टिकट जो मेरी बेटी लेके बैठी है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा खड़े हो जाऊँगी। फ्रेंड्स हमारा कुछ ब्रेकफास्ट आ चुका है, फ्रेंड्स देखिए अभी इतना ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। पहले जब हम ट्रेन में जाया करते थे तो टीटी आता था, पेपर इतने सारे लेके आता था, वो चेक करता था, ऐसे बैठ जाते थे और फिर एक एक पेजेस ऐसे इस तरीके से करके पूरा चेक करते थे। और अब उन लोगों के पास टैब हो गए हैं, तो बस स्कैन करते हैं और टिकट चेक हो जाता है। तो सोचो कितना ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं तब से, मतलब जो 80s और 90s के बच्चे हैं वो तो जानते हैं, बट अब वैसे अच्छा है, मुझे लगता है कि इजी हो गया है हमारा काम। और अभी ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी है और हमें मिला है ये बिस्कुट है, बिस्कुट और ये किट है इस तरीके से, ओपन करके दिखाता हूँ। ट्रेन चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। तो हमें गर्म पानी मिल चुका है, गर्म पानी और गर्म गर्म लड़की। कितना चाहिए पहले देखो। लग गया
सुना ही देता था कि भाई ये ट्रेन आने वाली है, वो ट्रेन आने वाली है. और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि अंदर भी अनाउंसमेंट हो रही है कि ये स्टेशन आने वाला है. मतलब अगर आप सोतूमल हो, अगर सोते रहते हो, तो आपको एक अच्छी सी अनाउंसमेंट मिल जाएगी कि जाग जाओ क्योंकि अभी फगवाड़ा आने वाला है. तो अभी अनाउंसमेंट हुई थी, मैंने कहा वाओ ये अच्छी चीज़ है यार. समटाइम्स क्या होता है कि हम सोते रहते हैं या कुछ भी ऐसा है और हमें लगता है कौन सा स्टेशन आया है. तो अगर अनाउंसमेंट हो रही है और आपको पता चल जाए तो वो भी अच्छी चीज़ है. चलिए अच्छा है ना. मैं वैसे मैं मारी है ना तो इसका टेस्ट अच्छा लगता है. देखिए सूरज निकला है अभी और क्या सुंदर लग रहा है पेड़ पौधों के बीच में से. और ट्रेन चल रही है. तो अभी एक ब्रिज आया है और नीचे बहुत सारा पानी है. अच्छा लग रहा है देखकर. गंदा पानी है? गंदा नहीं है बेटा, मिट्टी है नीचे ऑब्वियसली, बट पानी ज्यादा नहीं है. पानी नहीं है, ये बारिश वाला पानी है. मुझे भी ऐसे ही लग रहा है. और साथ में थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी है इसके अंदर. इसमें लग रहा है ब्रेड, बटर और ये क्या है. चलो ओपन करते हैं. कटलेट एंड फ्राइज. यस, फ्राइज तो बहुत सारे लग रहे हैं यार. ब्रेकफास्ट हो चुका है खत्म. सो फ्रेंड्स हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है. ब्रेकफास्ट ओके था, इट वॉज नॉट सो गुड. मतलब टेस्ट नहीं बोल सकते, बट यस था, ठीक था, ओके था. वेजिटेबल्स थे, कटलेट वेजिटेबल कटलेट था और दो ब्रेड थे और सॉस वगैरह थी, तो ओके था. हम लोगों ने वो कर लिया. उसके बाद हमारे पास ऑप्शन था कि हम या तो फिर चाय ले लें और नहीं तो आप जूस भी ले सकते. मतलब इन दोनों में ऑप्शन था, तो इसने जूस लिया, हम लोगों ने चाय ली. अभी चाय पियेंगे तो इसके बाद तो हमें हमारी जो ट्रेन है वैसे भी वो 11 o'clock, अगर थोड़ा सा लेट है वैसे ट्रेन तो 11:30 तक हमें पहुंचा देगी. उसके बाद हमें जितना टाइम लग जाए घर पहुंचने में, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है भाई के घर जाने में. और आज रक्षाबंधन भी है तो हम एग्जैक्टली उसी दिन पहुँच रहे हैं. ये थोड़ा सा ये है क्योंकि हम हमेशा ऑलमोस्ट एक दिन पहले चले जाते थे तो वो अच्छा लगता था, बट ठीक है, एटलीस्ट हमारे पास ये है कि हम जा सकते हैं और मिल सकते हैं. फ्रेंड्स हम लोगों ने थोड़ा सोए, थोड़ा जागे, थोड़ा खाया, थोड़ा पिया और इसके बाद हम लोग पहुँचे हैं सब्जी मंडी. अभी थोड़ा हाफ एन आवर है ना, तू बैठी रहे, यही सबसे ज़्यादा सो रही है. 15 मिनट्स. तो 15 मिनट्स के बाद हम इस ट्रेन से उतर जाएंगे. यार बैठे बैठे बहुत बोरियत लग रही है बहुत ज़्यादा, और नेट भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पर. बस हम उतरने वाले, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं हमारे घर से, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो. तो बस उतरेंगे, आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय.
कैसे कर लेती है भाई, इतने अच्छे एक्सप्रेशन कैसे दे देती है। ये तने में दर्द से दिख रहा है बाय। तो फ्रेंड्स हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं और ये है दिल्ली की भीड़ भाड़। और बस अब यहाँ से हम कैब बुक करेंगे और फिर घर की तरफ निकलेंगे। बहुत सारा शोर हो रहा है तो आपको घर जाके मिलते हैं, मेरे भाई के घर। मुंबई सेंट्रल अमृतसर जंक्शन पश्चिम एक्सप्रेस कुछ ही तो हम लोग बस ऑटो ले रहे हैं, फटाफट पहुंचेंगे हम लोग थोड़ी देर में। गर्मी बहुत है, पता है एसी में तो पता नहीं चल रहा था, पर जैसे बाहर निकले समझ में आया है। कहाँ है? ओके, हमें उधर से बैठना है ना।
तो फ्रेंड्स, स्टेशन से हम कब का आ गए थे और राखी बांधनी थी हम लोगों को आज रात में, तो तब से तो हमारे घर में जो धूम मच रही थी ना, वो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, वरना मतलब वीडियो हम शूट ही नहीं कर पाए, बस ये वो बहुत सारे गेस्ट वेस्ट आते रहे, तो आज का पूरा दिन इसी में निकल गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले राखी बांधी क्योंकि टाइमिंग ही वही था, राखी बन चुकी है और इसके बाद बस बैठे हैं और अब डिनर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी धमाल के साथ। सी एंड बाय।